हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समर। तो फ्रेंड्स, आप जानते हो भाई, मैं एक वीडियो क्रिएटर हूँ, वीडियो बनाता हूँ। या बहुत से लोग जो वीडियोग्राफी करते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, या फ्रेंड्स रील बनाते हैं इंस्टाग्राम पे, या अलग अलग वीडियो शॉर्ट बनाते हैं यूट्यूब पर, शॉर्ट बनाते हैं। इन फ्रेंड्स को टोटल काम जो कैमरे के सामने रहते हैं, फोटोग्राफी करते हैं और वीडियोग्राफी करते हैं, टोटल मान के चलते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टूडियो में ये जो लाइट होती है, अलग से ट्यूबलाइट में LED लगाते हैं भाई, ये इतना इफेक्ट नहीं डालती। तो फ्रेंड्स, अलग से ग्लो लाने के लिए हमें LED लगानी पड़ती है अलग से। फेस के लिए रिंग लाइट होगी, और भी कलर की लाइट आती है, अम्ब्रेला लाइट आगी। तो फ्रेंड्स भाई, मैंने सोचा क्यों ना मैं ऑनलाइन मंगा लूं। तो भाई मैंने देखा भाई 12,500 से स्टार्ट फ्रेंड्स भाई, और ऊपर कितने ले लो, 18,000, 16,000, 15,000, अलग अलग रेट है भाई। भाई मैं तो लिखा फ्रेंड्स, मैंने क्यों ना भाई, ये तो बहुत सस्ते में काम हो जाए, क्यों ना भाई अपने घर पर बना ले। और फ्रेंड्स, घर पर बनाने बाद जो मजा आएगा भाई, उसका मजा ही कुछ और है। तो फ्रेंड्स, बहुत मजा आएगा इस वीडियो में। प्लीज दोस्तों, वीडियो कम पे वॉच कीजिएगा। आज की वीडियो आप बहुत ज्यादा पैसे बचा सकते हैं, मानिए बहुत ज्यादा। प्लीज दोस्तों बने, चलिए फ्रेंड्स चलते हैं वीडियो पर, चलिए समर एक्सपेरिमेंट। तो फ्रेंड्स, यकीन मानिए भाई, काफी दिन हो गए मुझे वॉइस ओवर के किसी वीडियो में, अब तक मैं लाइव बोलता था, लौटो तैयार हो जाओ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने PVC पाइप ले लिया 4 इंच का, ओ भाई फटाफट मैंने कट कर लिया है शीट बनाने के लिए। और मैंने काफी बार आपको बताया शीट किस तरीके से बनाया जाता है, फिर भी मैं आपको मोटा मोटी दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप जो गैस चूल्हा तो उस पर बना सकते हो, मैं हीट गन का यूज कर रहा हूँ। और दोस्तों, काफी चीजें आपको इस वीडियो में सीखने को मिलने वाली है, तो बन रही है। तो देख सकते यहाँ पे दोस्त, इस तरह मैंने 3 शीट इसकी बना ली है। और पाइप की शीट बनाते वक्त आपको यह ध्यान रखना है फ्रेंड्स, पाइप आपको अच्छी क्वालिटी का लेना है। अब यहाँ पे मैंने 4x22 सेंटीमीटर के 4 पीस कट कर लिए हैं, ये 4 सेंटीमीटर है और लेंथ इसकी 22 सेंटीमीटर है। फटाफट दोस्त, इसका एक स्क्वायर टाइप में इसका एक बॉक्स टाइप का बना लेंगे, और यहाँ पे एक ट्राई स्क्वायर जिसे गुनिया कहते हैं थोड़ा, जिससे कि भाई बिल्कुल सीधा 90 डिग्री पर आ जाए। देखिए इस तरह का बना लिया है। और अब लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर LED पैनल। फ्रेंड्स, ये 22 वाट की LED पैनल है, जैसे आप चाहो जितने वाट की कम चीज ज्यादा लो आप चाहे ला सकते हो। जितने ज्यादा वाट करोगे उतनी ज्यादा रोशनी करेगी और थोड़ी सी लाइट कंज्यूम ज्यादा करेगी। देख सकते हो यहाँ पे इस तरह की लगती है कुछ, बिल्कुल स्क्वायर में है। और यहाँ पर जो जुगाड़ हम बना रहे हैं फ्रेंड, इसमें हमें LED क्लिप की कोई भी आवश्यकता नहीं है मित्र। तो मैं इन्हें भाई निकाल फेंक दूंगा, मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना यूज करूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हो, पहले देख लेते भाई फिटिंग कैसी है। फ्रेंड्स, मैं हर चीज MM में लेकर चलता हूँ। वाओ, देखिए काफी अच्छी खासी फिटिंग है, ठीक है, और बिल्कुल यहाँ पे फिट है, कोई भी लूज या कोई भी ढीला सिस्टम नहीं है, टाइट नहीं है, तो आसानी से आ गया है, देख सकते हो। अब यहाँ पे मैं छोटे छोटे 2 पीस ले रहा हूँ, और देखिए जब हमने सॉकेट निकाले थे फ्रेंड्स, वहां पर मैं इसे लगा दूंगा और इन्हें चिपका दूंगा। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे 2 बना रहा हूँ, एक मैं आपको चिपका के दिखाऊंगा, दूसरे मैं आपको ऐसे दिखाऊंगा, और मतलब रफली आपको अच्छी बताऊंगा। प्लीज बन रही है, देखिए इस तरह का फ्रेंड्स ये बनाए और निकलेगा नहीं आराम से, यहाँ पे LED फिक्स हो चुकी है। और भी और तरीके हैं बहुत सारे, मैं आपको इसी वीडियो बताऊंगा, लाइक कर दो यार। अब यहाँ पे मैं एक पीस और ले रहा हूँ, 9x22 सेंटीमीटर का एक पीस है, और इसे LED के पीछे लगा दूंगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे LED आप चाहो तो डबल साइड टेप से भी रोक सकते हो, चलिए चिपका देते। अब फ्रेंड्स, हमें चाहिए 25 mm का PVC का पाइप, और इसकी लेंथ है 46 इंच। और फ्रेंड, आपको हैवी लेना है, अच्छी क्वालिटी का, लंबी समय तक आपको चलाना है तो अच्छी क्वालिटी का लेना भाई। और ये 20 इंच के 3 पीस में ले रहा हूँ। हाँ फ्रेंड, देखिए इनकी लेंथ 20 इंच है और अच्छी क्वालिटी की PVC का पाइप 25 mm के। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 80 नवंबर, क्या बोल दिया मैंने, 80 नंबर का यहाँ पे सैंड ले रहा हूँ, आप 60 नंबर कह सकते हो। इसके नीचे आपको 25 mm का PVC का पाइप ही लगाना है, और इस तरह से आप रब करना है, जैसे फ्रेंड यहाँ पे जिन ही निकल जाएगा, ये चिराग नहीं है दोस्त। देखिए इस तरह फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको अच्छे से यहाँ पर रब करना है, और देखिए ये बनेगा इस तरह, कुछ शेप पाइप की बन गई है। ये फ्रेंड्स हम टांगे बना रहे हैं, लैक्स बना रहे हैं इसका स्टैंड की, देखिए इस तरह बन गई। और तीनों को आपको ऐसे यहाँ फेस टू फेस फोटो स्टेट कर देनी है, चला कर चलते। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अप्रोक्स देखिए 15-16 सेंटीमीटर आपको यहाँ पे थोड़ी ऊंचा करके आपको इन टांगनों को चिपका देना स्टड ग्लू से। और भाई अभी ये मजबूत नहीं है, जैसे हम मजबूत नहीं है, ये भी मजबूत नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स हम नहीं है, लेकिन इसे तो मजबूत कर ही देंगे। स्टड ग्लू से आपको चिपका देने यहां पर, और इस तरह देखिए ये बन चुका है। और ये पता नहीं गरीब लोंडा कौन है, शक्ल से तो मैं ही लग रहा हूं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह के भाई ये बन चुका है, देखिए तो भाई काफी अच्छा लग रहा है अभी, और बाकी भी और भी अच्छा लगा, अभी इससे साथ सज्जा करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये कमजोर है तो कमजोर की मदद करनी चाहिए। इस तरह फ्रेंड्स यहाँ पर मैं जिप्सम स्क्रू का यूज कर रहा हूँ, जो कि 1.25 इंच के हैं। देखिए इस तरह मैं इसमें होल करूंगा, और तीनों पे अच्छी तरह से यहाँ पर मैं जिप्सम स्क्रू लगा दूंगा, टाइट करूंगा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये ऊपर का पैनल जहाँ फिट होगा इसका फ्रेम है, और इस फ्रेम को मैं ऊपर लगा दूंगा इस स्क्रू की हेल्प से, इस स्क्रू की हेल्प से। ऐसा ना फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों का भाई वॉइस ओवर की हुई तो क्या करते हैं भाई, करना तो पड़ता है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह के भाई लगा दें, और लीजिए फ्रेंड्स, ये स्टैंड का बनकर तैयार नहीं हुआ है अभी, इसमें और काम बाकी है, अभी ये इतनी मजबूत नहीं इसकी टांगे। तो भाई यहाँ पे एल डाइट लेते हैं, और थोड़ा सा यहाँ पे इसे थोड़ा गम देते हैं,
मतलब कि रुका रहे जिससे भाई, तो थोड़ा फास्ट इसे मिला देते हैं और फटाफट इसे चिपका देते हैं। लीजिए फ्रेंड्स, अब ये थोड़ा मजबूत हो रहा है, जब ये सूख जाएगा ठीक, आगे चलते हैं, ये तो होगा कंप्लीट। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लेंगे एक अलग से शीट, ये भाई 22x22 सेंटीमीटर की लेन में कैसे लेनी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ऊपर का फ्रेम रखना है और इसका मार्क लगाना है और कट कर देना है। इसको कट करना काफ़ी ईजी है। देखिए इसका हाफ लेना है क्योंकि फ्रेंड्स 22 सेंटीमीटर है, 11 सेंटीमीटर मार्क लगा और इसके दो कर दिए। अब देखिए फ्रेंड्स, ये 1 सेंटीमीटर है और 10 सेंटीमीटर है ठीक है। इस तरह का आपको लेना है, ये 4 पीस है और 4 पीस के आपको इस तरह की थोड़ा सा कोने टाइप का रब कर लेना है। सैंड पेपर से रब कर सकते हो, कोई दिक्कत, मैंने एंगल ग्राइंडर से कट किया है और यहाँ पर 20 यानी कि 2 सेंटीमीटर मैंने मार्क किया है और इसे बैंड कर देना है। देखिए फ्रेंड्स, वॉइस ओवर करने में काफ़ी बैंड बच जाती है मेरी भी। देखिए इस तरह फ्रेंड्स, यहाँ मैंने बैंड कर दिया है और इसे आपको चिपका देना है कहाँ पर, जो फ्रेंड्स हमने 11 सेंटीमीटर कट के। देखिए इस तरह, तो फ्रेंड्स ये दो ऊपर जिसके स्टडर टाइप के हैं, जिसके डू टाइप के हैं, ये इसमें लगाएंगे और अभी मैं आपको दिखा दूँ प्रैक्टिकली, प्लीज़ बने रहिए। तो भाई इसे अच्छी तरह चिपकाएं, वैसे भी दोस्त पीवीसी पर पीवीसी काफ़ी अच्छी तरह से चिपक जाता है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह के बन चुका है। अब इसमें होल करना है और इसे रोक देना है फ्रेम पर। और चलिए इसी तरीके से हम फ्रेम पर भी थोड़ा सा होल कर देते हैं, मतलब थोड़ा नहीं पूरा होल कर देते और इसे रोक देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया तैयार। इसी तरह दोस्त आपको ऊपर भी लगा देना है और नीचे भी लगा देना है। मैंने दोनों साइड लगा दिए हैं और इसका क्या काम है ये मैं आपको आगे प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, बेफिक्र रहिए। चले फ्रेंड्स, कंप्लीट हो, अब इस पर पेंट कर देते हैं। और गाइस यकीन मानिए, देखने में तो आपकी फ्रेम थोड़ा पतला दुबला सा लग रहा होगा, लेकिन फ्रेंड्स ये एक पूरा स्टैंड, पूरे एक स्प्रे कैन की बोतल पी गया, ये क्या मानिए 100 रुपए की स्प्रे कैन आती है। तो चले गाइस, मुझे इजाजत दीजिए, अब आप एक भटक की आत्मा से मिलने वाले हैं। तो गाइस ये बन चुकी है और ऐसी मैंने दो बनाई है। देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं आपको थोड़ा सा कलवा नजर आ रहा हूँ, वैसे मैं हुई कलवा, तो भाई रंग तो रंग होता है, गोरा हो काला हो, मैं भी एक इंसान हूँ। चले फ्रेंड्स, फटाफट भाई यहाँ पे थोड़ा सा पक डालते हैं, प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चला दे यार। हाँ देखिए भाई चल चुके। देखिए फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा आपको गोरा दिखाई दूंगा, थोड़ा बहुत दिखाई दूंगा। देखिए फ्रेंड्स कितना फर्क पड़ता है, कितना इफेक्ट पड़ता है। मेरे स्टूडियो में कम से कम दोस्तों 48 लाइट है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, यानी कि 48 लाइट होने के मुकाबले तब। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर काला मेरा चेहरा है, देखिए देखिए कितना फर्क आता है, आप देखिए। तो फ्रेंड्स, हर आदमी सोचता भाई थोड़ा सा ग्लो आ जाए और कुछ नहीं होता भाई, क्रीम लगाने से कुछ नहीं होता, थोड़ा सा ग्लो लाइट हो आ जाता है। तो भाई काफी पैसे बच गए। और फ्रेंड्स भाई देखो, ये जाते थे 700-800 में एक बन जाएगी, ठीक है 700-800 में एक। फ्रेंड्स मैं इससे सस्ते बना सकता था, लेकिन भाई मैंने अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज किया है, जितने पार्ट्स हैं सब अच्छी क्वालिटी के हैं। फ्रेंड्स काफी लंबे समय से चलेंगे। चलो फ्रेंड्स फटाफट एक फोटो खींच लेते हैं अक्षय कुमार के स्टाइल में। भाई ओ भाई मैं खोल दे यार, देखियो फोटो खींच दे यार। हाँ फोटो भी काला खींच गया। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो भाई थोड़ा सा अच्छा मैं लग रहा था फोटो में थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स आप इन्हें बनाने के बाद भाई बिल्कुल हैंडसम लोगे, वैसे हैंडसम तो आप हो यार सब, मेरी मम्मा से पूछो मैं कितना हैंडसम हूँ। तो फ्रेंड्स आई होप वीडियो आपको अच्छी लगेगी, कुछ आपको लगा होगा अभी समर तूने बनाया। और देखिए फ्रेंड्स ये मैंने क्यों लगाए हैं, देखिए दोस्त देखिए ऐसा आप एडजस्ट कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स मेरे हाथ में एलईडी लाइट पड़ रही है, देखिए अब मेरे ऊपर तो देखिए चलेगी। तो फ्रेंड्स आप जैसे कस्टमाइज कर सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करके अलग अलग इफेक्ट डाल सकते हो। फ्रेंड्स आपने एक बात गौर की, देखिए अगर मैं एलईडी के बिल्कुल पास आता हूँ, देखिए मेरा चेहरा देखिए बिल्कुल देखिए कुछ येलोइश या बिल्कुल चमकदार बिल्कुल सफेद लग रहा होगा, जो कि लगना नहीं चाहिए लाइट पे। तो फ्रेंड्स कितनी महंगी लाइट आप लेकर आ जाओ भाई, अगर उसके सामने बिल्कुल ऐसे देखिए बिल्कुल पप्पी लेके बात करोगे तो भाई मुंह तो ऐसा आएगा ही। तो फ्रेंड्स एक निश्चित दूरी, थोड़ी दूरी बना कर रखो यार, तो बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा, ये भी बहुत अच्छा इफेक्ट दे देंगे। तो फ्रेंड्स आज 15 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे है, तो दोस्तों आपको और आपकी पूरी फैमिली को मेरी तरफ से समर एक्सपर्ट पूरी टीम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज दोस्तों मुझे जरूर बताएं आपकी वीडियो कैसी लगी। फ्रेंड्स आपके बहुत ज्यादा पैसे मैंने बचा दिए, अभी जब चेक कीजिएगा फ्रेंड 30,000 रुपए आपको जेब में मिल जाएंगे, लेकिन पहले बनाओ तो सही से। चले फ्रेंड्स, वंदे मातरम, जय हिंद और भारत माता की जय। थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं, चलिए जाता हूँ।